अगली खबर आ रही है कन्नौज से, जहां बोर्डिंग ग्राउंड में 16 साल के बाद एक बार फिर कन्नौज महोत्सव का आयोजन हुआ है। कन्नौज महोत्सव की शुरुआत राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक और विधायक की मौजूदगी में हुई। मंच में संबोधन के दौरान राज्य मंत्री ने सभी से शांति बनाते हुए आनंद उठाने की बात कही। इस दौरान उनको पुलिसिंग की याद आ गई। कन्नौज जिले में 16 सालों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कन्नौज महोत्सव की धूम देखने को मिली। यह कार्यक्रम लगातार 7 दिनों तक चलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों की प्रस्तुति पंडाल में बैठे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। रविवार शाम को शहर के बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित कन्नौज महोत्सव की शुरुआत करने के लिए राज्य मंत्री असीम अरुण, सांसद सुब्रत पाठक और छिबरामऊ विधायक पहुंचे थे। फीता काट कर उन्होंने महोत्सव की शुरुआत की। मंच से संबोधन करने के दौरान राज्य मंत्री ने अपना पुराना एक्सपीरियंस साझा किया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने मंच से संबोधन के दौरान सबसे पहले जिलाधिकारी सुभ्रांत शुक्ला के इस प्रयास की प्रशंसा की और पंडाल में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित होना चाहिए कि सभी अपने परिवार के साथ आनंद लें और सुरक्षित घर जाएं। किसी भी प्रकार से धक्का मुक्की का माहौल ना उत्पन्न हो, एक पुराने पुलिस वाले के रूप में मेरा ऐसा मानना है, हर परिवार जो महोत्सव में आएगा आनंद लेकर जाएगा। यहाँ के ऊपर किया है, यहाँ के नागरिकों को भी उससे बहुत पर्यटन यहाँ मिलेगा और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा किया गया। मंत्री जी, किस प्रकार का कार्यक्रम है? समस्त कन्नौज वासियों को भैया नीचे कर लो, हम सब की ओर से बहुत बधाई। कन्नौज महोत्सव की आज शुरुआत हो रही है। अगले एक सप्ताह आनंद का समय रहेगा, मनोरंजन का समय रहेगा और उसके साथ साथ सीखने का समय भी रहेगा। कृषि उद्योग के क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, तरक्की हुई है, उसको सबके सामने प्रस्तुत किया गया है और आगे कैसे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर भी काम किया गया है और चर्चा भी होगी। और साथ साथ शाम को और सभी परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था बना के दी जा रही है जिससे कि हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत आसानी से आए, कम से कम खर्चे में आनंद उठाए और सुरक्षित बहुत अच्छा महसूस करते हुए अपने घर जाएं। इस उद्देश्य के साथ अगले एक सप्ताह का ये सुंदर महोत्सव शुरू किया। एक एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिल रही है इसमें। बहुत ही मनोयोग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जो ODOP के हमारे साथी हैं, जो जनमिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको आमंत्रित किया गया, बहुत सारे आ भी गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए तर्ज पर अगर हम बात करें उस रूपरेखा में, तो जितने भी हमारे ऐसे कल्चरल चीज़ें हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उसको लाया जा रहा है, मंच पे भी लाया जाएगा और उसका परिणाम हम लोग देखेंगे। बहुत सुंदर मंत्री जी, 17 साल हो गया, 18 साल हो गए, मिथक टूटा है काफ़ी, बड़ा संघर्ष रहा है आप लोगों को इसका आयोजन कराने में, क्या लगता है कि हर साल ये होता रहेगा? ज़रूर होगा, बिल्कुल हर साल होगा। और अपने पूरे प्रशासन की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा। पहली बार जब आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, दूसरी बार बहुत सी चीज़ें सिस्टम में आती हैं, फिर उसको अगली ऊँची उड़ाई उड़ान पर ले जाते हैं। तो बहुत साल के बाद शुरू करने में सफलता मिली है, जैसा माननीय योगी जी ने निर्देश भी दिया कि ऐसे महोत्सव प्रत्येक जनपद में होने चाहिए और इसके क्रम में हम कर भी रहे और अगले आने वाले सालों में और ऊँचाई पर जाएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। रोजगार के प्लेटफॉर्म खड़े हुए जी, निश्चित रूप से जो हमारे सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, हमारे पुराने झूले हैं, बिक्री हो रही है, तो काफ़ी सारा कारोबार भी यहाँ पे होगा। लेकिन कारोबार के साथ साथ एक उत्सव है और ज़्यादा खर्चा नहीं, कम से कम खर्चे में सब लोग आनंद उठा पाएँ, ये प्रयास है। धन्यवाद।